हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे पूरी चने। चने मींस काबुली चने या फिर छोले कह सकते हैं। छोले हम बहुत तरीके से बनाते हैं। एक एक छोले बनते हैं जो हम पूरी या फिर भटूरे के साथ खाते हैं, एक छोले बनते हैं जो हम कुलचे के साथ खाते हैं, एक छोले बनते हैं जो हम नॉर्मल चावल के साथ रोटी के साथ खाते हैं। लेकिन आज हमारे घर में बनेंगे पूरी चने। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली में सबको पूरी चने बहुत पसंद है। चलो देखते हैं कि मैं चने कैसे बनाती हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं, मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे चने बॉईल करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चनों को सारी रात भिगो के रखा था, फिर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी। फिर मैं कुछ खड़े मसाले लूँगी। इसमें मैंने लिए हैं 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसे हम इसमें डाल देंगे। आप इसे एक पोटली में बांध के भी डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़े से सूखे आंवले डालूँगी, इससे चनों में एक बहुत अच्छा कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। अब हम इसे बंद कर देंगे और 4 से 5 सीटी के लिए पकाएंगे। जब तक चने बॉईल होते हैं, मैं अब पूड़ी का आटा लगा लूँगी। पूड़ी का आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 कप आटा, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी काली मिर्च लूँगी, थोड़ी सी अजवाइन लूँगी और 1 टेबलस्पून सूजी का लूँगी। यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया है, इससे पूड़ी में एक अच्छा टेस्ट आता है। पानी से गूंदने से पहले तेल डाल के आटे को अच्छे से मोइन कर लें। आटे को अच्छे से मोइन करेंगे तो पूड़ी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। आप देख सकते हैं कि आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने बिल्कुल गल के रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं चने, ये देखिए। अब मैं चने के मसाले के लिए सरसों के तेल को थोड़ा सा पका लूंगी। यहाँ मैंने 2 प्याज काट लिए हैं और इसमें 1 चम्मच अनारदाना डाल दिया है। अब इन्हें मैं एक साथ में अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे तेल में मैं 1 छोटा चम्मच राई का डालूँगी और इसे फूटने दूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें एक छोटा चम्मच जीरे का ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से पकाएंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें 3 साबुत हरी मिर्च में डाल दूंगी। अब हम यहाँ पे अपने प्याज और अनारदाना वाली पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हमें लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला जले नहीं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अच्छे से पकाऊंगी। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने पहले भी चनों में नमक डाला हुआ है। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। देखिए, मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे। अमचूर 1 चम्मच, 1 चम्मच चना मसाला,
अच्छे से भून लेंगे इसे। अब हम इसमें चनों का थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इन्हें चनों में ऐड करेंगे। उससे पहले चनों में से सारे खड़े मसाले और आंवले निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। अब मैं एक बॉइल्ड आलू लूँगी, उसे मिक्सी में डालूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका प्योरे बना लूँगी। अब फिर उस प्योरे को मैं चनों में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, उससे चनों में एक बहुत अच्छी सी थिकनेस आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कुकर को बंद करके इसे 2 से 3 सीटी के लिए पकाऊंगी और हमारे चने बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। अब मैं यहाँ पे आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी, जिससे मैं छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी पूड़ियाँ बनाऊँगी। अब मैं एक लोई लूँगी और तेल के साथ उसे अच्छे से पतला पतला बेल लूँगी और फिर एक प्लेट में रख लूँगी। यहाँ पे मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं अपनी पूरी तलने के लिए रखूंगी और देखिए मेरी पूरी कैसे फूल फूल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे टेस्ट करके देखते हैं। इट्स वेरी हॉट, बी केयरफुल, आई कांट वेट। बहुत अच्छे बने हैं, आप प्लीज ट्राई करें।